गुड इवनिंग स्टूडेंट, ओपन योर मैथ्स बुक। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन करेंगे और मैथ्स की बुक में पेज नंबर 13 ओपन किया। सभी बच्चों ने पेज नंबर 13 ओपन करना है आपको। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नंबर्स। सभी बच्चे पेंसिल और इरेजर लेके बैठेंगे। पेज नंबर 13 आपको लर्न करना है। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? चलो बेटा, सभी बच्चों ने पेज नंबर 13 ओपन कर लिया। पेज नंबर 13 पे आज की डेट डालिए। आज की डेट क्या है? 11/12/2020। सभी बच्चों ने आज की डेट डाल दी पेज में। चलो बेटा, अब आप क्वेश्चन पढ़िए। क्या क्वेश्चन है आज का? आज का क्वेश्चन है, पढ़िए, मैच द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद द करेक्ट नंबर। आपको मैच करना है फॉलोइंग कलेक्शंस को, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे? उनके करेक्ट नंबर से। तो आपको ये क्वेश्चन काउंट एंड मैच में भी आता है। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा। आप ये ब्लैक नोटबुक में कर चुके हो, अब आपको बुक में भी करना है। तो सभी बच्चे पहले काउंट करेंगे, ध्यान से काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने हैं बेटा? 8। ये 8 हैं, तो इसको आप कौन से नंबर से मैच कर दोगे? 8 नंबर से। तो आप इस तरीके से 8 नंबर से इसे क्या कर दोगे? मिला दोगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 1, 2, 3। तो कितनी बर्ड है बेटा? 3। तो ये नंबर क्या है? 3। तो इस नंबर से आप मैच कर, पहले नंबर का रिकॉग्नाइजेशन कीजिए। देखो 3, 1, 6, 5, 2, 10, 9, 7, 4, 8। तो ये सभी नंबर्स हैं, अब आपको काउंट करने हैं और उसके बाद इनसे मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको किससे मैच कर दोगे बेटा? नंबर 6 से, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, 1, 2। तो आपको किससे मैच करना है? नंबर 2 से, ठीक है बेटा। ये आपको काउंट एंड मैच में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट रीड कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप इसको किसे 9 नंबर से मैच कर दोगे। नेक्स्ट वन इज, देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने हैंड्स हैं? 5। तो आप इस तरीके से 5 नंबर से मैच कर दोगे। बेटा आपको नंबर का रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। अगर आपको नंबर की पहचान नहीं है, आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, 1, 2, 3, 4। तो इसको 4 से आपको मैच करना है। देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने हैं बेटा? आइस कितनी है? 10। तो आप 10 से इसको मैच कर दोगे। अब देखो, ये एम्बुलेंस कितनी है? ओनली 1। तो आप इसको कैसे कर दोगे? इसको 1 से मैच कर दोगे। तो आपको समझ में आ गया? आपने क्या करा? आपने काउंट किया और देन आपने उसके नंबर के साथ उसे मैच किया। तो दोबारा देखिए, ये हमारे कितने सोप्स थे? कितने सोप थे? 8। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट कितनी बर्ड है? 3। पॉपकॉर्न के पैकेट्स कितने हैं बेटा? 6। डॉल्फिन कितनी है? 2। बेल कितनी है बेटा? 9। हैंड कितने हैं? 5। ये क्या है बेटा? ये देखिए, ये पेंगुइन है। पेंगुइन कितने हैं? ये 4। नेक्स्ट वन देखिए, आइज कितनी है? 10। और एम्बुलेंस 1। तो बेटा ये सभी बच्चों को नंबर की रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए। अगर आपको नंबर की रिकॉग्नाइजेशन है, तभी आप सभी बच्चे ये क्वेश्चन को कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। नंबर की रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए और आपको मैच करना आना चाहिए नंबर से। तो सभी बच्चे इसमें आज की डेट डाल देंगे और नीट एंड क्लीन काम करेंगे। बेटा ये हॉजपॉज वैसे ही पहले से हो रहा है, तो आप ज़्यादा हॉजपॉज नहीं करोगे, ठीक है। और नीट एंड क्लीन अपनी बुक में फिल करोगे, अच्छे से मैच करोगे। और सभी बच्चे, कल सभी बच्चों की डायरी और बुक, नोटबुक दोनों आनी चाहिए। सभी को बात समझ में आ गई? आपको बुक और नोटबुक दोनों लानी है स्कूल में चेकिंग के लिए। अगर आप अपनी नोटबुक्स चेक नहीं कराओगे बेटा, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी,
सभी को बात समझ में आ गई? सभी ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ये आपकी बुक का पेज नंबर 13 है जो आज हमने किया है। ओके बेटा।